स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी कोर का आज आपका जो वीकली टेस्ट हुआ है आज यानी कि 27 जुलाई को, ठीक है, उसका हम लोग फाइनली आंसर की को आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि हिंदी कोर में 27 जुलाई का जो वीकली टेस्ट हुआ है उसमें आप कितना सही किए थे। ठीक है, चलिए सबसे पहले सेक्शन से पूछा गया था सारा एमसीक्यू क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 20 नंबर का था। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कवि हरिवंश राय की कविता निम्न में से कौन सी है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की कविता निम्न में से कौन सी है। देखिए यहाँ पर का ऑप्शन से उषा, ऑप्शन खा था आत्म परिचय, बादल राम और पतंग था, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर खा हो जाए। ठीक है, आत्म परिचय। दूसरा प्रश्न है कवि को कैसा संसार पसंद नहीं है। तो कवि को दोस्तों कैसे संसार पसंद नहीं है, अपूर्ण यानी कि पूरी तरह से अच्छा नहीं। ठीक है, अगर कोई भी गड़बड़ है तो इसे संसार उसको पसंद नहीं है कवि को, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, अपूर्ण संसार कवि को पसंद नहीं है। 3 नंबर, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, का जन्म कब हुआ, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा 1907 ईस्वी में। चलिए आगे 4 नंबर आपसे पूछा गया प्रश्न है जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार है, जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर का इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर, पक्षी किसकी चिंता में बेचैन हो उठती है, जो पक्षी होती है बर्ड्स, ठीक है, वो किसकी चिंता में वो बेचैन हो जाती है। ठीक है, तो अपने बच्चे के चिंता में, ठीक है, बच्चे के चिंता में बेचैन हो उठती है, ठीक है, अकबका जाती है। चलिए 6 नंबर, भक्तिन कहानी के कहानीकार कौन है, भक्तिन कहानी के कहानीकार कौन है। तो दोस्तों इसका जो खा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 7 नंबर, भक्तिन किसकी कन्या है, भक्तिन किसकी कन्या है। ठीक है, तो भक्तिन दोस्तों गोपालिका की कन्या है, यानी ऑप्शन नंबर गा इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 8 नंबर, मुद्रा का आरंभ किस देश में हुआ था, मुद्रा का आरंभ यानी कि पैसा का आरंभ कौन देश में सबसे पहले हुआ, तो चीन देश में हुआ था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर, भारत में पहला छापाखाना कब लगाया गया। तो भारत में सबसे पहला छापाखाना ऐसे तो 1550 है, ठीक है, लेकिन इसको 1556 भी है कहीं कहीं, तो इसको ऑप्शन नंबर हो जाएगा खा 1556। ठीक है, चलिए समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं, तो समाचार लेखन में टोटल टोटल 6 को ककार होता है, ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा 6 को ककार। ठीक है, अगर दोस्तों क्लास 12th के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए दोस्तों एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए क्लास आ चुका है इंग्लिश कोर, ठीक है, इंग्लिश कोर और इकोनॉमिक्स का। ठीक है, अगर ये 2 सब्जेक्ट में अगर आप 100 में 100 लाना चाहते हैं दोस्तों आपके लिए एक बेहतरीन क्लास आ चुका है जिसका प्राइस 299 रुपये 1 ईयर के लिए। ठीक है, और मैं गारंटी लेता हूँ इस दोनों में आपका 100 में 100 लाने का। अगर दोस्तों क्लास आपको बाय करना है तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें, व्हाट्सअप करें, ठीक है, और 299 रुपये पे करके इंग्लिश को और इकोनॉमिक्स क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।